प्यारे बच्चों, आज असी दिवाली लेख बारे समझांगे कि इसनूं लिखना किवें है। तुहानूं सब नूं पता है कि दिवाली जदों आंदी है तां चारे पासे रौनक ही रौनक हो जांदी है, चहल पहल हो जांदी है। सब नूं दिवाली दा इंतजार रहिंदा है, पूरा साल दिवाली दा हर किसे नूं इंतजार रहिंदा है। ते दिवाली आउण ते पहलां सारे लोग पहलां तां अपने घरां दी साफ सफाई शुरू कर दिंदे हन। जे किसी घर ने मरम्मत करानी है, रंग रोगन करवाना है, सब की कोशिश होंगी है कि इस दिवाली तो पहला ही करवा लीती जाए। तो दुकानदार अपने समान की तैयारी शुरू कर लेंगे, अपने दुकान में समान भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिवाली वाले दिन खरीदारी वध जाती है तो उन्हां दी आमदन भी वधदी है। तो वह अपनी दुकानों खूब सजाते ने, अपने दुकानों समान नाल भर लेंगे ने, तो इस तरह चारे पासे चहल पहल हो जाती है। तो दिवाली वाले दिन उस तो कुछ दिन पहला सारी खरीदारी शुरू कर देंगे। बच्चे अपने लिए पटाके, मिठाइयां, खिडौने खरीदते हैं, तो बड़े लोग कपड़ा लत्ता या दिवाली ते कम आने वाली दीवाबत्ती, तो कहते हैं बिजली ना चलन वाली लड़ियां वगैरह, होर भी कई फैंसी जो आइटम होंदिया ने, नवी नवी चीज़ां खरीदते हैं। तो इस तरह दिवाली वाले दिन दिवाली तो पहला बहुत ही रौनक मेला होंदा है, तो लोग हर तरह नाल खुशियां मनाते हैं, अपने दोस्त मित्रां रिश्तेदारां नूं देने लिए उपहार खरीदे जाते हैं ताकि अपनी खुशी नूं सांझा किया जा सके। तो चलो आपां हुण दिवाली लेख लिखते हाँ, तो क्योंकि अपन दिवाली बारे सब नूं सब गल्लां दा पता है, पर लिखना किवें, बस जरा समझ लिए उही वी लिखना किस तरह है। ठीक है बच्चो, तो पहली लाइन जिहड़ी आपां लिखांगे, दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है बच्चो, ये हर साल कत्तक की मस्या नूं मनाया जाता है, जिहड़ा अपना देसी महीना कत्तक है ना, उसकी मस्या नूं, क्योंकि हर जिहड़ा महीना हुंदा है उस विच एक मस्या आती है तो एक पुरमाशी आती है। 15 दिन बाद मस्या होगी, 15 दिन बाद पुरमाशी, ठीक है ना। जिहड़ी कत्तक की जिहड़ी मस्या होगी ना, तो उसनू की हुंदा है, यह त्यौहार मनाया जाता है कत्तक की मस्या नू। ठीक है, पहली लाइन लिखोगे, दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, यह हर साल कत्तक की मस्या नू मनाया जाता है। नंबर 2, दिवाली तो कुछ दिन पहला लोग अपने घर की सफाई ते रंग रोगन करते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा वाक तुसी लिख सकते हो, तीसरा वाक लिखांगे, क्योंकि दिवाली का जिहड़ा यह क्यों मनाई जाती है दिवाली, यह आपने जरूर दसना है क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 सालों का बनवास कट के अयोध्या पहुंचे सन। कहानी सब पता ही है रामचंद्र जी बारे कि वह पिता के वचना नूं पूरा करन लई 14 सालों का बनवास कटन लई वनां विच चले गए सी। ठीक है बच्चो, तो फिर जो 14 सालों बाद वापस अयोध्या पहुंचे से, तो उत्थों के लोगों ने दीपमाला करके खुशी मनाई सी, ते उस दिन तो ही यह त्यौहार दिवाली मनाई जा रही है। तो चौथे पॉइंट लिखोगे, इसी दिन ही सिखां दे 6वें गुरु हरगोविंद जी जहांगीर दी नज़रबंदी तो रिहा होके आए सन। सिखां दे 6वें गुरु हरगोविंद जी, जहांगीर जिहड़ा मुगलां दा बादशाह जहांगीर सी, उसकी नज़रबंदी तो रिहा होके आए सन। ते सिख भी इस त्यौहार नूं बड़े ही चावां नाल मनांदे हन। दिवाली तो कई दिन पहला ही बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है, मिठाइयां, पटाके, कपड़े और खिडौने आदि दी दुकानां सज जांदियां हन। लोग नवे नवे कपड़े पा के खरीदारी करन लई जांदे हन, खरीदारी करन लई बाजार जांदे हन, लिख लो चाहे इत्थे बाजार जांदे हन। दिवाली वाले दिन अनेरा होने ते लोग अपने घरां विच दीपमाला करते हैं, रंग बिरंगी बल्बां दीआं लड़ियां लाईआं जांदीआं हन।
ये सारे बच्चों नूं पता है कि आपां मिट्टी दे जिहड़े दीवे हुंदे ने उहनां नूं आपां छत दीआं जिहड़े बनेरे हुंदे आ कंधां उत्ते रख के आपां दीपमाला करदे हां ते रंग बिरंगियां बल्बां दीआं लड़ियां वी लगाउंदे हां। ठीक है, जिस नाल साडा घर जगमग जगमग कर लग जांदा है। ते देखो यह दिन क्योंकि मस्या वाला दिन है, मस्या वाले दिन तो बहुत अंधेरा हुंदा है, तो फिर दिवाली वाले दिन मस्या दी रात नूं आपां लोग दीपमाला करके रंग रंग लड़ियां लगा के मस्या दी रात नूं भी जगमग कर दिंदे हां। रात नूं आसमान चढ़ रही आतिशबाजियां ते हवाइयां वातावरण नूं बहुत ही दिल खिचवां बनांदियां हन। जदों रात हुंदी है तां बच्चे बड़े सब मिल के आतिशबाजियां हवाइयां चलांदे ने, जदों आतिशबाजियां आसमान नूं चढ़दियां ने तां बहुत ही मनमोहनियां लगदियां ने ते इस नाल वातावरण बहुत ही दिल खिचवां हो जांदा है। इक तां चारे पासे दीपमाला जगमग कर रही हुंदी है ते दूसरे आसमान भी जगमग करन लग जांदा है, ता यह नज़ारा बड़ा ही दिल खिचवां हुंदा है। इस तों बाद बच्चे देखो रात नूं फिर की हुंदा है, रात नूं असीं सारे लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, फिर सारे रात नूं बैठ के करते हैं माता जी की पूजा करते हैं। पर इस रात दे नाल कुछ जिहड़ियां है बुराइयां भी जुड़ियां हुई ने। दिवाली रात नूं कई लोग शराब पीते ने, जुआ खेडते ने, टूने आदि करते ने, सानू इन्हां बुराइयां नूं दूर करन दा यतन करना चाहिंदा है। दिवाली दी रात कई लोग गलत काम करदे ने जिवें कि शराब पीना, जुआ खेडना, टूने आदि करना, सानू इन्हां बुराइयां तों दूर करन दा बुराइयां नूं दूर करन दा यतन करना चाहिंदा है। दिवाली एक पवित्र त्यौहार है जिसका सारे लोग आनंद माणदे हन ते खुशियां मनांदे हन। ठीक है बच्चों, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਖ ਬਣਾਓ। लेख उही ज़्यादा वधिया लगता है जो अपने ही शब्दों विच लिखा जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।